जयपुर राज्य के माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग ने राजस्व बढ़ाने के प्रयासों में तेजी लाना शुरू कर दिया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस पेट्रोलियम एवं ऊर्जा डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया है कि राज्य सरकार ने खनन पट्टों से निकलने वाले खनिज पर देय राजस्व की वसूली के लिए 74 रॉयल्टी ठेकों की ई प्लेटफॉर्म पर नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। ACS डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि ये ठेकों खनिजों के जारी खनन पट्टों आदि से निकाले जाने वाले खनिज पर वसूल किए जाने वाले रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्ट, जिला स्तरीय मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, राज्य स्तरीय मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट आदि के दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 472 करोड़ रुपए से अधिक की आरक्षित राशि के इन ठेकों की नीलामी सूचना जारी कर दी गई है। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि विभाग ने ई ऑक्शन के पारदर्शी व्यवस्था से राज्य के 74 रॉयल्टी ठेकों की ई नीलामी के लिए विभागीय वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी के साथ ही भारत सरकार द्वारा प्रधान खनिजों की नीलामी के लिए ऑनलाइन MSTC पोर्टल पर ई नीलामी की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इससे देश दुनिया में कहीं से भी कोई भी व्यक्ति इस ई नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेगा। उन्होंने बताया कि ई ऑक्शन में हिस्सा लेने वाले इच्छुक व्यक्तियों को भारत सरकार के पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा, वहीं पहले से पंजीकृत व्यक्ति फॉर्म या कंपनी को दोबारा पंजीयन नहीं कराना होगा। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।